A very good evening, everybody. Today I am going to start with question number 9. This question is, in figure 6.39, ABC and AMT are two right angles. ABC A angle, इसको मैं angle 1 ले लूं और इसको angle 2 ले लूं, angle AMT. तो सबसे पहले given में क्या है हमारे पास, angle 1 equals to angle 2 is equals to 90 degree. फिर वो कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम बी. टू प्रूफ में पहली चीज क्या मांग रहा है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम बी, और सेकेंड पार्ट उसका रिजल्ट भी हो जाएगा सिमिलरिटी रिजल्ट. ठीक है, तो अब आज आपको जैसे हम सीपीसीटी करते थे ना, तो उसका रिजल्ट ही आने वाला, मैं बताऊंगा. तो पहले प्रूफ की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या कोई साइड्स की रेशियो दी है, एक एंगल दी है, तो मतलब अगर एक एंगल दिया है किसी दूसरे के इक्वल, तो पक्का दूसरे एंगल कोई कॉमन होगा जिसके बारे में उसने चर्चा नहीं की. अब मैं लिख रहा हूं एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम बी. पहले इनको देख लो, ए बी सी ये ट्राइंगल है, ए बी सी और ए एम पी ये ट्राइंगल है. चेक करो दोनों में एंगल ए कॉमन नहीं आ रहा, बोलिए ना. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या लिखोगे, कॉमन. सेकेंड पॉइंट, एंगल वन ए बी सी में एंगल वन आ रहा है और इसमें एंगल क्या आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ईच. So therefore, triangle ABC is similar to triangle AMP. कौन सी बाय एंगल, एंगल सिमिलरिटी. साइड क्यों बोल रहे हो, मेरा एस देखती साइड बन गया, मैंने कोई साइड लिखी है तो साइड होगा. और पहली बात हुई कि एस सिमिलरिटी होती, समझ लो क्या नहीं, एंगल एंगल सिमिलरिटी. अब रिजल्ट समझो, CA CA इसका पार्ट है, C इधर A इधर, थर्ड पोजीशन विद द फर्स्ट पोजीशन, तो इधर भी पकड़ो थर्ड पोजीशन विद द तो क्या यस और नो, शुड बी इक्वल टू इधर क्या है BC, BC सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, इधर सेकंड एंड थर्ड सेक्टर. तो मतलब जैसे कंग्रेंसी में हम लगाते थे CPCT की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, अब यहां पे होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर. जब भी आप साइड्स की प्रोपोर्शनेट लेते हो तो ये लिखते हो, जब भी एंगल्स लेते हो वो इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वहां लिखते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. कास्ट कास्ट याद रखना है, ठीक है, इसमें सीपीएसटीपी, ठीक है, आधा दो तीन और बोलोगे याद रखेगा सीपीएसटीपी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. एंगल होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल. कहानी पकड़ने आई, श्योर डन, जल्दी नोट करो.